नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में खेत में मवेशी चराने गए युवक पर तेंदुए ने हमला किया। युवक त्रिलोक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम घोटी बेहरा में मवेशी चराने गए युवक त्रिलोक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मवेशी चराते समय नदी में पानी पीने के लिए गया था। उसी समय तेंदुए ने युवक पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानपुर लाया गया, जहाँ से गंभीर हालत होने पर उसे रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। घायल युवक छोटू पिता त्रिलोक उम्र 16 वर्ष को तेंदुआ ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के फिंगरप्रिंट्स लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। अगर जांच में तेंदुआ आदमखोर पाया जाता है तो उसे पकड़कर वन विहार या कोई अन्य स्थान छोड़ने की बात कही है और घायल युवक का इलाज कराने की बात कही है। किसने हमला करा? मतलब पानी पीने गया था तो वो घूम बैठा था। कौन बैठा था? जी तेंदुआ। हाँ, तो ये पानी पी लिया था, इसने पंजा मार दिया पीछे बस, और क्या जी गिर पड़ा और ऐसा खड़ा हो गया तो हाथ में पकड़ लिया, हाथ से छूटा फिर जाम में पकड़ लिया। फिर और क्या, ये चिल्ला पुकार करा इसने, तो फिर वो भाग गया और फिर ये आ गया घर। सुल्तानपुर कहाँ से हो आप? सुल्तानपुर आए थे जी। रहने वाले कहाँ के हो? बहुत ही गहरा। ये भी 108 से एक बालक जिसका नाम छोटे लाल है, उम्र 16 वर्ष, हिस्ट्री ऑफ एनिमल बाइट लियोपार्ड बाइट के थ्रू हमारे पास जिला अस्पताल रायसेन में इलाज के लिए लाया गया, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने इसको भर्ती किया है। ये लगभग 8:30 बजे आसपास से आया था पेशेंट हमारे पास। तेंदुआ हमला करा हुआ है क्या? जी जी, तेंदुआ का है। हिंदी में के जो साथ वाले थे उन्होंने बोला था सर इसको तेंदुए ने काटा है। ठीक, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शैलेन झारी। ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के लिए रायसेन से तिलक शाक्या की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।